नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसे हमने वादा किया था कि एक हफ्ते में काफ़ी जो हैंड एनालिसिस आप करने वाले हैं वो भी फ्री, तो हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और व्हाट्सएप पे हमारे साथ अपने हैंड जो है अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में भी हम एक शख्स का जो है एक पर्सन का हाथ यहाँ पर पढ़ेंगे। और अभी तक जो आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर को फॉलो नहीं किया है तो उसको फॉलो ज़रूर करें। हमारे हर वीडियो में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दिया होता है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे साथ और बिना फ्री जो है बिना पैसे के अपना हाथ जो है पढ़वा सकते हैं। अब एक से दो हफ्ते जो है हम ऐसा ही यहाँ पर करेंगे, रैंडमली लोगों को यहाँ पर चुनेंगे। तो आज की वीडियो में ऐसे ही होने वाला है। अगर चैनल पर आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर पामिस्ट्री से नॉलेज यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। इनके पूरे करियर के बारे में हम यहाँ पर प्रेडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं, एक अच्छा सा करियर लेते हैं यहाँ पर। देखिए अपनी स्क्रीन के सामने जो आपको हाथ दिख रहा है बिल्कुल स्क्वायरिश यहाँ पर दिख रहा होगा, बिल्कुल स्क्वायरिश। और स्क्वायरिश के साथ जो है मेहनत काफ़ी अच्छी है, थिकनेस भी मिडोकर कहूँगा, थिकनेस भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो है फिंगर्स की जो लेंथ है यहाँ पर छोटी है। आपको फिंगर्स की लेंथ काफ़ी ज़्यादा छोटी यहाँ पर नज़र आ रही होगी और इसके कारण जो है थोड़ा सा जल्दबाजी में फैसले ऐसा जातक लेता है और कभी कभी जो है ऐसे जातक को नुकसान हो जाता है उनके फैसलों के कारण। तो जिस जातक की यहाँ पर फिंगर छोटी होती हैं वो थोड़ा सा जिद्दी नहीं कहूँगा, थोड़ा सा फैसले जो है अपने आप से लेता है और इंडिपेंडेंट होता है और जल्दबाजी में लेता है, तो उसके कारण यहाँ पर नुकसान हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम फिंगर्स की लेंथ को देखते हैं। यहाँ पर देखिए फिंगर्स की लेंथ जो है यहाँ पर अगर मैं लाइन वाइज देखूँ, देखिए अपनी बृहस्पति की फिंगर यहाँ पर और सूर्य की फिंगर यहाँ पर इक्वल होती हुई आपको दिखेगी, और जो बताता है कि इनके अंदर मिक्स क्वालिटीज़ हैं। यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं और कह सकते हैं कि यहाँ पर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात आपको बता दूँ, जिन जातक की जो फिंगर्स जो होती हैं लेंथ में छोटी होती है उन जातक को थोड़ा सा अधिक संघर्ष करना पड़ता है अपने कैरियर को बनाने के लिए, प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए कैरियर को, तो काफ़ी ऐसे जातक को कह सकते हैं संघर्ष करना पड़ता है। और ऐसे जातक का जो भाग्य उदय होता है वहाँ पर 45 एज के अप्रॉक्स होता है, मतलब भाग्य उदय होता है ऐसे जातक का काफ़ी ज़्यादा लेट होता है। लेकिन जब भाग्य उदय होता है, जब चीज़ें बनने लगती हैं तो काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पर चीज़ें बनती हैं। तो ऐसे जातक का जो अगर 45 के बाद ही भाग्य उदय होने के चांसेस रहते हैं। फिंगर्स की लेंथ अच्छी है, अगर साइज़ में कहूँगा यहाँ पर अगर इक्वल इक्वल मानूँगा तो यहाँ पर जो दोनों फिंगर जो हैं इक्वल हैं और ज़्यादा बड़ी नहीं है फिंगर, तो उसकी वजह से नुकसान होता है और उस फिंगर्स की क्वालिटी थोड़ी कम रहती हैं। फिंगर्स पे आपको हल्का हल्का जो देखिए आपको लाइनें आपको दिखेंगी यहाँ पर, जो बताता है कि फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा है इनका और फ्रेंड सर्कल जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। उसकी वजह से कह सकते हैं कि सपोर्ट अच्छी है फ्रेंड्स की और मान सम्मान फ्रेंड सर्कल में काफ़ी अच्छा है और कह सकते हैं कि दोस्ताना एक तरह का बिहेवियर ऐसे जातक का रहता है। अगर यहाँ पर बुध फिंगर की बात करें तो बुध फिंगर अप्रॉक्स यहाँ पर फर्स्ट वेलेंस तक पहुँचने की कोशिश कर रही है, लेकिन फर्स्ट वेलेंस से नीचे ही ये शिफ्ट है और इसकी वजह से थोड़ा सा कह सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता कम रहती है, थोड़े में बोलने की प्रवृत्ति थोड़ी जातक में कम रहती है और थोड़ा सा जातक शर्मीला होता है इस किस्म का। तो यहाँ पर फिंगर्स की लेंथ मैंने देख ली। अगर हम देखते हैं अब यहाँ पर माउंट्स की प्लेसमेंट क्या कह रही है, माउंट की जो प्लेसमेंट कुछ ऐसी बनती है आपको दिखेगी और कह सकते हैं कि जो देखिए आपको बृहस्पति का माउंट काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखेगा। बृहस्पति का माउंट जो है काफ़ी अच्छी स्पेस लिए हुए है और स्पेस लेने के कारण जो है ऐसा जातक जो सामाजिक कार्य काफ़ी अच्छा करता है, थोड़ा सा दया भावना काफ़ी ज़्यादा उस जातक में रहती है और कह सकते हैं कि भगवान से जुड़ा हुआ इंसान रहता है, धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान रहता है। तो ये फ़ायदा होता है ऐसी बृहस्पति फिंगर और बृहस्पति माउंट का होने का, इसमें स्पेस काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे जातक का वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है, मतलब ठीक ठाक रहता है, मैं सुख सुविधाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वैवाहिक जीवन जो होता है ऐसे जातक का अच्छा होता है। और साथ में अगर बात करें यहाँ पर शनि माउंट की, तो शनि माउंट भी थोड़ा सा दबा हुआ है आपको दिखेगा यहाँ पर, लेकिन जो भाग्य रेखा इनकी है शनि माउंट तक पहुँच रही है। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया था कि इनके जो लाइफ का जो गोल्डन पीरियड है वो 45 के बाद ही आएगा और उसके बाद चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। इनका ओल्ड पीरियड जो है बुढ़ापा है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम यहाँ पर सूर्य माउंट की बात करते हैं। सूर्य माउंट काफ़ी अच्छा है, इसके ऊपर आपको मतलब एवरेज है, फ्लैट है,
और इसके ऊपर एक आपको यहाँ पर दिखेगी यहाँ पर सूर्य रेखा, जो इनको ओल्ड एज में ही 45 के बाद ही असर देना स्टार्ट करेगी, क्योंकि जो इनकी सूर्य रेखा है वो 45 के बाद ही शुरू हो रही है। तो ये भी एक निशान है कि इसका भाग्य उदय इनका 45 के बाद ही होगा। तो अच्छे फल देने वाला सूर्य इनके हाथ में जो है सूर्य रेखा है, तो प्रबल क्वालिटीज़ हैं आगे जो चीज़ें अच्छी होने की। आगे बात करते हैं यहाँ पर बुध माउंट की, बुध का माउंट की भी अच्छा है। बुध के माउंट ऊपर आपको खड़ी लाइनें देखेंगी जो बिजनेस क्वालिटीज़ को दर्शाता है। अब इन्होंने क्वेश्चन किया था किस बिजनेस में इनका जाना चाहिए, तो अपना प्रोफेशन जरूर करें। ये प्रोफेशन जो है ये चंद्र से जुड़े कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र काफ़ी अच्छा है। और जो अगर अगर बिजनेस में जाएं, लाइटिंग का बिजनेस कर सकते हैं। और जो पानी से जुड़े बिजनेस हैं, पानी से जुड़े बिजनेस हैं, जो चमकीली चीज़ से ज़्यादा जुड़े जो बिजनेस हैं वो एक कर सकते हैं, उस प्रोफेशन में जा सकते हैं, या पार्टनरशिप के बिजनेस में भी जा सकते हैं, क्योंकि जो लाइनें हैं इनको दिख रही हैं सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, और ये भी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जो है शुक्र माउंट है, थोड़ा सा दबा हुआ आपको दिखेगा, शुक्र माउंट है इस एंगल से दबा हुआ है, तो ऐसे जातक को चीज़ों को जोड़ने में काफ़ी मुश्किलें होती हैं और सुख सुविधाएं जुटाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती हैं, वो दिखता है और यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन इसके पॉजिटिव चीज़ें हैं कि यहाँ पर खड़ी रहने काफ़ी आपको दिखेंगी, जो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि मौके देंगी। लेकिन साथ में आपको यहाँ पर आड़ी लाइनें भी यहाँ पर दिखेंगी, जो चिंताओं को यहाँ पर दर्शाता है। लेकिन कुल मिला के जो इनका शुक्र माउंट है थोड़ा सा आपको दबा हुआ आपको दिखेगा, और उसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रगल लाइफ में रह सकता है स्टार्टिंग की एज में। लेकिन इनका शुक्र माउंट अच्छा है, शुक्र माउंट पर जो है चीज़ें आपको अच्छी दिखेंगी। इनका जो शुक्र माउंट है चंद्र माउंट है काफ़ी अच्छा है, और इसके ऊपर खड़ी लाइनें आपको दिखेंगी, जो यहाँ पर विदेश यात्रा को या फिर चुस्त चांस प्रॉबलिटीज़ बनाता है, लेकिन ज़्यादा प्रॉबलिटीज़ यहाँ पर नहीं बन रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम कुल मिलाकर हम लाइनों को चेक करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको जूम करूँगा यहाँ पर। चलिए इनकी जो भाग सबसे पहले इनकी जीवन रेखा देखते हैं। जीवन रेखा कुछ ऐसी स्टार्ट होती है आपको दिखेगी, और यहाँ पर जीवन रेखा ऐसी कुछ स्टार्ट होती हुई आपको दिख रही है, और अच्छी है, लंबी है और डीप है। तो यहाँ पर जो है हेल्थ रिलेटेड इशूज़ तो नहीं है, लेकिन इस एज में कुछ हेल्थ रिलेटेड इशूज़ मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। देखिए एक तनाव और एक कह सकते हैं कि परेशानी यहाँ पर दिख रही है आपको, एक राहु लाइन यहाँ पर दिख रही है वो काटती हुई। ये जो अप्रॉक्स यहाँ पर बन रही है ये 25 और 24 के अप्रॉक्स बन रही है। उसके बाद एक लाइन आपको और दिखेगी जो बहुत डीप है, कट है, और ये भी लाइन यहाँ पर बन रही है कम से कम 30 और 32 के अप्रॉक्स बन रही है। इनको इस एज में कुछ परेशानियाँ आई होंगी, मतलब इस एज में हल्की परेशानी आई होगी, और 30 से 32 की जो एज होगी उसमें काफ़ी डीप कट है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इनको हुई होगी। हेल्थ रेड इश्यूज भी हुआ होगा, इनके कैरियर को भी इसने डिस्टर्ब किया होगा, और इसको इन्होंने मानसिक भी तनाव इनको दिया होगा, तो इस एज में इनको प्रॉब्लम आई है। लेकिन उसके बाद चीज़ अच्छी हैं, उसके बाद एक प्रोग्रेस लाइन आपको दिखेगी हल्की सी बनती हुई यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऐसे, और ये जो बन रही है कम से कम 35 की एज में बन रही है, या फिर कैसे 38 की एज में बन रही है। इस एज में जाकर कुछ इनको मौका मिला होगा, या घर बनाया होगा इन्होंने, या फिर कैरियर में कुछ किया होगा, या फिर अपने प्रोफेशन में कुछ किया होगा। एक अच्छी प्रोग्रेस लाइन है, इसको फ़ायदा दिया है, लेकिन आगे भी यहाँ पर कंटिन्यू जो है लाइफ चल रही है, इसके बाद कोई ऐसी लाइन मुझे नहीं दिखी है, तो आगे की जो लाइफ है अच्छी है। अगर बात करें कैरियर लाइन की, कैरियर लाइन जो है कैरियर लाइन कुछ ऐसी चलती हुई आपको दिखेगी। शुरू में जो है कैरियर लाइन मिट रही थी यहाँ पर, और देखिए ये मिट रही है तो थोड़ा सा स्ट्रगल है, लेकिन जो है आपको शुक्र चंद्र पर्वत से एक लाइन यहाँ पर जुड़ती हुई दिखेगी ऐसी, और जो कैरियर है इनका भारी सपोर्ट से स्टार्ट होगा। मतलब विवाह, अगर इनका विवाह हुआ है तो विवाह के बाद ही चीज़ें अच्छी होनी स्टार्ट हुई हैं, और उसके बाद कह सकते हैं कि बाहरी सपोर्ट से ही इनका कैरियर आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, पार्टनरशिप के बिजनेस में कर जा सकते हैं, और पार्टनरशिप का बिजनेस से कर सकते हैं। एक लाइन और दिखाऊंगा आपको, एक चंद्र पर्वत से एक लाइन जो है इनकी 45 की एज में प्रॉक्स जुड़ती हुई आपको दिखेगी, 40 से 45 की एज में जाती हुई जुड़ती हुई दिखेगी। तो कोई ऐसा पर्सन इनके साथ जुड़ेगा जो कह सकते हैं इनका आगे भविष्य जो है उज्जवल कर सकता है, या फिर इनके बिजनेस को आगे बचा सकता है। और कुल मिला के पॉजिटिव इनके हाथ में बात है कि जो इनकी जो भाग्य रेखा है वो शनि पर्वत तक अप्रॉक्स यहाँ पर पहुँच रही है, तो ओल्ड एज में जाकर जब ये 45 क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद चीज़ें काफ़ी अच्छी होने वाली हैं।
तो ये कुल मिला के प्रोडिक्शन थी। और 45 के बाद जो है चीज़ें इनके लिए अच्छी हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये साथ में प्रॉपरली दिख रहा है। और ये पूरी प्रोडिक्शन वीडियो थी, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।